Bunesc. कराची में कातिल डाकुओं ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। नॉर्थ नाजमाबाद में कार पर फायरिंग करके समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मदीन को शहीद कर दिया गया। अथर बच्चियों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे, रास्ते में कातिल डाकुओं ने उनकी जान ले ली। अथर मदीन ने शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लवाहिकीन में दो बेटियां और अहलिया शामिल, दोनों प्यारी बच्चियां आज बाबा के साथ आखिरी बार स्कूल गईं। अथर मदीन अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। सीनियर सहाफी अथर मदीन को कैसे कत्ल किया गया, वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दो डाकू किसी शहरी से बाइक छीन रहे थे, एक गाड़ी डाकुओं को टक्कर मारती हुई चली गई। दोनों डाकू मोटरसाइकिल से गिरे और फिर उठे। अथर मदीन की गाड़ी पहुंची और डाकुओं को दोबारा हिट किया, लेकिन उनकी गाड़ी बाइक से उलझकर रुक गई। दोनों डाकू गिरे और तैश में आकर पलटकर फायरिंग कर दी। गोली अथर के सीने में लगी, जिससे वो मौके पर ही जां बहक हो गए। बाइक वाले से, बाइक वाले ने बाइक देने से इनकार कर दिया, तो उसकी सूरत में सामने से कार आ रही थी, उस कार वाले ने उनको पहले हिट किया, वो उनसे बच गए। उनसे बचने के बाद दूसरी कार सामने फ्रंट से आ रही थी, उसने हिट किया, उससे बच गए, वो कार वहाँ फंस गई और उन्होंने उतर तक शायद उसको फायर मारा शीशे से, वो फायर में खाल आगे उसको लगा। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे हैं, हम उनके पीछे पत्थर मांगते मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। मुलजमान 20 मिनट तक दनदनाते रहे, लेकिन ना पुलिस आई ना किसी की मदद आई। इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। अथर मदीन का बहिमाना कत्ल, लोगों ने जो देखा वो समा को बताया। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान कहते हैं वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द कातिलों तक पहुंच जाएंगे। दो डाकू एक और शहरी से बाइक सवार शहरी से डकैती कर रहे थे, पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया, डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए और उसमें हमारा ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें अथर मदीन साहब की हलाकत हुई। ये रोड की दूसरी साइड पे गए हैं और इन्होंने एक और बाइक छीनी है और कटी पहाड़ी की तरफ फरार हो गए। शहीद सीनियर सहाफी अथर मदीन की नमाज जनाजा कल बाद नमाज जहर अदा की जाएगी। शहीद के भाई तारिक मदीन का कहना है कि मेरे भाई का कत्ल हुकूमत के सर है, पुलिस के सर है। कातिलों की गिरफ्तारी तक थाने के बाहर धरना देने का ऐलान। हम हमेशा खुद खबरें देते हैं, आज हम खुद खबर बन गए। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, वो चला गया। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए, ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ये लोग हम कल जोहर के बाद तदफीन करेंगे, उसके बाद स्वयं होगा और स्वयं के बाद जो है मैं मुतालिका थाने के बाहर जाकर बैठूंगा, मैं उनसे हिसाब लूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अथर मदीन की शहादत पर अफसरदा, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला और गवर्नर से आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा अथर मदीन का बहिमाना कत्ल सदमे का बाइस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि हुकूमत सहाफियों समेत हर शहरी का तहफ्फुज यकीनी बनाए। रेंजर्स को बाहर आ जाना चाहिए और रेंजर्स को मैं आऊंगा कराची पे उनसे बात करके कि भाई ये सारे हालात तरह तो नहीं चल सकते। मुल्क रेंजर्स को इख्तियार ज्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए, ताकि अमन अमान और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए। वजीर दाखला शेख रशीद ने आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखला की समा से गुफ्तगू, कराची समेत पूरे सिंध में बड़ा कदम उठाना होगा, कराची में रेंजर्स को इख्तियार देने चाहिए, सिंध हुकूमत कहे तो हम रेंजर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। कराची जो है वो एक बहुत बड़ी आग और खून की जंग से निकला है, तो ये एक बड़ी पेचीदा जो है, ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इसमें एक साजिशों की एक बू आती है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है, कराची में सेफ सिटी चीज को बनाने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी कराची में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही, मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का इजहार अफसोस, कहा कराची में पुलिस का कोई किरदार नहीं, रेंजर्स से काम चलाया जा रहा है, जिस तरह सिंध में सूबाई हुकूमत चलाई जा रही है वो मजाक है।
मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाइकीन हैं समा टीवी की जो उनके साथी हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाकयात को होने से रोकें। समा टीवी और अथर मतीन के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ, हम कार्रवाई करेंगे, हम कोई कोताही नहीं करेंगे। सईद गनी कहते हैं जीरो क्राइम कहीं भी नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम की तेजी में कोई कमी नहीं आई। सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाता हूँ, कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे। समझे एक तरीके से कराची शहर में तो नाकाम हो चुकी है। ये बिलावल की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, सिंध के वजीरों की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे। नई मोबाइलें, नए वर्दियां, गाड़ियां, वेपन, नो न जाने कौन कौन से फोर्सेस बनाई हुई है कमांडोज की, वो इन बादशाहों की फैमिली की हिफाजत के लिए है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वजीर आला की है, शहर में कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हलीम आदिल शेख की समा से गुफ्तगू, कहते हैं अथर मतीन के साथ जो हुआ अब तो कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। सारे अहलकार बिलावर और जरदारी की सिक्योरिटी पर नजर आते हैं, लेकिन टैक्स देने वाले शहरियों को देखने वाला कोई नहीं। महफूज क्यों नहीं है, ये डकैतियां क्यों बढ़ गई हैं, स्ट्रीट कैंप्स क्यों बढ़ गई, क्या थानों की मर्जी के बगैर डकैतियों की वारदातें हो सकती हैं, चोरियां हो सकती हैं, मनशियात के अड्डे चल सकते हैं। ये अफसोसनाक वाकया है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम का इजहार ताजियत, कहा हुक्मरानों की तो सब चीजें सही चल रही हैं, शहर में डकैतियां बढ़ गई हैं, डाकुओं को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, जंगल का भी कोई कानून होता है, यहाँ न बच्चे महफूज है न बड़े। सीनियर सहाफ़ी अथर मतीन की शहादत की खबर सुनकर दुख हुआ, वाकया काबले मजम्मत और अफसोसनाक है। अब्दुल अलीम खान का पैगाम, कहा अथर मतीन एक काबिल और मेहनती सहाफ़ी थे, उनकी सहाफत और समा के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, मुश्किल की इस घड़ी में गमजदा खानदान के साथ हूँ। और हंसता और मुस्कुराता चेहरा, शफीक और इंतहाई नर्म गुफ्तार, हर एक की मदद करने वाले अथर भाई। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की शहादत ने पूरी समा फैमिली को सोगवार कर दिया। शहादत की खबर मिलते ही रिक्कत आमेज मनाजिर थे, भाई जैसी मिलनसार शख्सियत के पिछड़ने पर साथी फूट फूट कर रोते रहे। जूनियर्स को सिखाना हो या मदद करनी हो, अथर मतीन हमेशा साथ देते थे। यकीन नहीं आ रहा कि वो अब हमें नहीं, लगता है अभी बैग उठाकर कहीं से आ जाएंगे, लेकिन अथर मतीन भाई अब कभी दफ्तर नहीं आएंगे।